नमस्कार, आपका स्वागत है लो आईक्यू में। और आज हम आपके लिए धमाके की बात लेकर आए हैं। जैसा कि हमें पता है कि आपके बिहार बीपीएससी की बिहार गवर्नमेंट आपका बीपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है। इससे पहले आज भी एक एग्ज़ाम था, और इससे पहले 3 अगस्त को, जो कि 3 अगस्त जो कि लास्ट में होने वाला था, उसे प्रीपोन करके 3 अगस्त को ले लिया गया। उसकी की भी आ गई, जैसे कि आपने देखा बहुत से क्वेश्चंस में कुछ एरर्स हैं। 9 क्वेश्चन अराउंड है ऐसे, जो कि मे बी शायद डिलीट कर दिए जाएं। आपको उसके मार्क्स मिलेंगे नो डाउट, और इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, हम आपके लिए एक खुशखबरी और एक मज़ेदार क्लास लेकर आएँ, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, इस क्लास को करके, इस वीडियो को देखते हुए आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस का पेपर होने वाला है और होगा। हम गारंटी ये इस बात की दी जाती है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं आपके लिए कंटिन्यू ऐसी क्लासेस कंडक्ट करूँगी, और नो डाउट आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा अच्छे से। वीक में टू बार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे मेंस के पर्पस से, जो कि आप अच्छे से कंडक्ट कर सकें और वेल प्रिपेयर हो सकें। मेन बात तो ये है, हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। हमें आपको पता है कि जैसे कि हम जब तक हमारा की नहीं आता है, जैसे कि मैं बात बता रही हूँ, जब तक हमारा की नहीं आता है तो हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमारे कैसे मार्क्स आएंगे, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन गलत है कि नहीं है। हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर करके, जैसे कि हमने की देख लिया है और हमें पता है कि हमारे लमसम इतने मार्क्स बनेंगे, अब थोड़ा की आउट, जैसे कि कट ऑफ को देखना, जैसे कि 80 मार्क्स हो गए, 90 हो गया, 100 अराउंड हो गया, तो इतने जो मार्क्स के हैं तो हमें अराउंड एटलीस्ट पता चल जाता है कि हम इसके लमसम के मार्क्स के अराउंड हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। घबराने की बात नहीं है। जो बच्चे इस साल अपने आप को वेल प्रिपेयर नहीं कर पाए, थोड़ा सभी कह रहे हैं, एक तो प्री कंडक्ट करवा लिया गया, प्री पोन था ही पेपर, और पीछे उस दिन वेदर भी सही नहीं था, काफ़ी बच्चे दूर से आने वाले थे, नहीं आ पाए, कोरोना की वजह से काफ़ी फैमिलीज़ में इश्यूज रही, कई फैमिलियों में डेथ हो गई, काफ़ी मैं हेल्थ इशू भी काफ़ी खुद से बच्चों को रहा, तो कुछ बच्चे खुद से हेल्थ अपने आप को उसके लिए एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर नहीं हो पाए। तो डोंट वरी, आगे भी आने वाले जल्दी ही बीपीएससी फॉर्म आउट करेगी और मे बी दिसंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो डोंट वरी, उसके लिए प्रिपेयर होना। उससे पहले अगर आप इसके लिए वेल प्रिपेयर हैं मेंस के लिए, और आपको लगता है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, नो डाउट, बट अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मे बी हमारा प्री होगा नहीं होगा, अगर आप बीच मझधार में भी ऐसे लगते हैं कि आगे पीछे आपकी नैया डोल रही है, तो ऐसा मत करिए कि हम मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो आपको फिर भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, आप मेरी बात समझिए, मेंस की प्रिपरेशन करनी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस बार वाला आपका अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो आगे नहीं क्लियर होगा। हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमें वेल प्रिपेयर होकर चलना है, ताकि हमें इन फ्यूचर अगर हमारे सामने कोई इशू भी आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हेल्थ इशू आ जाते हैं, तो हमें आगे मेंटली हम डिस्टर्ब ना होते हुए अपने उस पढ़े हुए एग्ज़ाम्स को बिल्कुल अच्छे से हम कर सकें। जैसा कि हम, चलिए हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर कट ऑफ की बात लिखी है मैंने। टोटल हमारे पास वैकेंसी सीट्स थी 69, कितनी सीट्स थी हमारे 69। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है आपका 3 अगस्त को, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है। 3 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था, और आपकी आई थिंक 3 सितंबर आप इसकी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। और मेन बात कहूँ तो मेंस की बात करते हैं इसकी, अगर मेंस पेपर की, ठीक है, मेंस पेपर की बात करें तो इसका मे भी पेपर हो सकता है आपके दिसंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है, या आपका जनवरी के, नहीं सॉरी, दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में। चलिए, इतनी बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं इसके मेंस के पेपर की, नहीं
नहीं, मैं थोड़ा आपको इसके कट ऑफ की बात बता देती हूँ कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ताकि आप अच्छे से वेल प्रिपेयर रहें, आपको लगे ना कि हाँ हम इसके लिए वेल प्रिपेयर नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री के बाद, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो भैया इसके लिए आपके पास समय नहीं है। पहले बता दे रही हूँ, इसके लिए आपके पास समय नहीं है और आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। चलिए देखिए इसके आपको कट ऑफ की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जनरल वालों के लिए आपको कट ऑफ की ज़्यादा ज़रूरत है 90 to 85 अराउंड। अगर आपके मार्क्स 90 और 85 के बीच में आ जाते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्री में तो नंबर अच्छे लेके बैठ जाएं और आपके फ्रेंड्स कहें, फैमिली कहें, अच्छा बेटा आपका तो प्री गलती से ही पास हो गए, आपको ये अच्छे नंबर नहीं लेके आया, आपका तो तुक्का चल गया ऑप्शन में। तो ये वाली गलती नहीं करनी हमें, हमें नंबर लेने हैं मेंस में। आप बात समझ रहे हैं, हमें नंबर लेने मेंस में, और मेंस के लिए आपके पास अभी क्या है, अभी आपके पास चल रहा है 29 अगस्त, ठीक है। आपके पास समय कितना रहेगा, अगर दिसंबर लास्ट में पेपर कंडक्ट करवा लेते, बीच में आपके कुछ दिन तो दिवाली में निकल जाएंगे साफ सफाई में भैया, कुछ दिन आपके छठ पूजा में निकल जाएंगे, ठीक है, मेन फंक्शन में तो निकल जाएंगे, आपके दशहरा में निकल गए, ठीक है, ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स जब आपके आएंगे तो आपका समय आपके पास कहाँ रहेगा। फैमिली अपनी तरफ बुलाती है, ये कर लो वो कर लो, तो आपको अभी से मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मेंस की बात करते हैं, चलिए कट ऑफ की तो हम बात कर चुके हैं, आपकी कट ऑफ की मैं बता चुकी हूँ कि कट ऑफ आपका कितना रहेगा, 90 प्लस 85, इतने के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चंस की जो लेंथ है, जो क्वेश्चंस की लेंथ है क्वेश्चंस की, वो बहुत ही है, ई ए बी सी डी ई, ये इतने ऑप्शन होने के बावजूद, टाइमिंग इंक्रीज तो थी नहीं आपकी, जितना टाइम था उतना ही था, उसके बावजूद आपके पास लेंथ ही पेपर आया और प्रीपोन था, तो सब चीज़ थोड़ा अनबैलेंस हो गया। उस वजह से आपका जो कट ऑफ जाएगा जनरल्स का, वो कितना जाएगा, 90 प्लस 85। तो आपके लिए खुशखबरी ये है, खुशखबरी की बात है, मैं ये बता दूं कि खुशखबरी आपके लिए है कि आपके लिए मेंस के लिए आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के जीएस के पर्पस से, जीएस या जीके की, आपके मेंस की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, पहले बता देती हूँ, मेंस के पर्पस से आपकी क्लासेस की जा रही हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जीएस एंड जीके का पेपर बीपीएससी वालों ने पहले बता दिया है कि ये जुडिशरी में जो मेंस आता है, जुडिशरी का जो सिलेबस है जीएस एंड जीके का, वो जो मेंस का सिलेबस है वो आपको आने वाला है। तो भैया आपको ये समझ आ चुका होगा मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें तो जीएके एंड जीएस का चाहिए, बट हमें पता है कि हमें जुडिशरी में कैसे मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास सारे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, क्वेश्चंस हैं तक जो कि आपको आपके मेंस के लिए हेल्पफुल होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जो कि आपके मेंस के लिए हेल्पफुल होंगे। आपको इतने अच्छे से रटवा दिया जाएगा मेंस का क्वेश्चन कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको जीएस नहीं आता था। अरे हमें पता है कि हमें कौन कौन सा पैटर्न होगा, और इसीलिए हम आपके लिए एक बम्पर क्लास लेके आने वाले हैं। डेली आपके एक घंटे की क्लास होगी, ठीक है, और उसमें आपको वीकली दो टेस्ट दिए जाएंगे, जितना सिलेबस करवाया जाएगा उसके बिहाफ पर, जैसे 2-3 दिन हो गया उसके बाद क्लास कंडक्ट वाली, अच्छा साथ साथ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, आज ये करवाया कल पहले वो सुनाओ, सामने पूछे जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी आपकी, ऑनलाइन
ऑनलाइन होंगी क्लासेस आपकी, जो कि आप घर बैठे ले सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली आइए, मुखर्जी दिल्ली मुखर्जी नगर आइए, राजेंद्र नगर आइए, इलाहाबाद जाइए, है ना, या पटना जाइए। आप घर बैठ के आप ये स्टडी कर सकते हैं अगर आप ये करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, आप पेपर की मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। तो ये है मेंस में, आप देख लेते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कल से आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है इसी चैनल पे, लो आईक्यू पे, लो आईक्यू पे, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कंटिन्यू फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और क्या बताऊँ, ठीक है ना। लो आईक्यू पे आपकी क्लासेस होंगी जूम गूगल मीट पर। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसके लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मेरे कॉन्टैक्ट गूगल मीट के लिए लिंक अगर चाहिए तो आप मुझे कल, अगर हम एक से एक एक तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से, क्योंकि तब तक आपके जो क्वेरीज होंगे और आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो मुझे शेयर हो जाएंगे। और मैं नंबर लिख देती हूँ आपको गूगल मीट के लिए, 8295631289। ये आपको करवाया जाएगा बाय मी, कमला मैम गोस्वामी, कमला गिरी। नो डाउट, आपको अगर कोई डाउट है आप इस नंबर पे मुझसे फोन कर कर बात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं क्या करूँगी, एक वो बना देती हूँ, एक ग्रुप बना देती हूँ, और वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो उस वीडियो के नीचे वो लिंक डाल दूँगी, ताकि आप जैसे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्या करूँगी, जब मैं गूगल पे क्लासेस लूँगी आप लोगों की, तो क्या होगा, मैं 1 तारीख से 1 सितंबर से आपकी क्लासेस ज्वाइन करवाऊंगी, और 1 सितंबर से जब मैं क्लासेस लूंगी तो उससे क्या हो गया, आप इस नंबर से सीधा डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं गूगल मीट पे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा इन फ्यूचर मेंस की प्रिपरेशन के लिए। देखिए टाइम नहीं गंवाना है हमें, टाइम गंवा के हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे कि आप कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि झुमली झुलती 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 मीनार कहाँ है, ठीक है ना, सूरज कुंड कहाँ है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको इनके बारे में किस राज्य में है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि और भी क्वेश्चंस हैं कि नेशनल पैटर्न ट्रस्ट में कौन सा शामिल नहीं हो सकता, कौन शामिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। और आपके हैं कि आई के गुजरात से पहले भारत में प्रधानमंत्री कौन था, आई के, ठीक है, सुनील अरोड़ा से पहले भारत का मुख्य सचिव कौन था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट जुडिशरी में पूछे जा चुके हैं, जिसका बम्पर हमारे पास बहुत अमाउंट में आपको प्रिपरेशन करने के लिए स्टॉक मिल जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप हम अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रिपरेशन करवाएं अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहें, ताकि हम आपको वो कर सकें, आपको अच्छी अच्छी सारी चीज़ें नॉलेज दे सकें। और वन मोर थिंग, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन ना कर पाएं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर मैं एक चैनल बना देती हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएससी। लो आईक्यू पहले, लो आईक्यू प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएससी, ठीक है ना।
और इसका आइकन आपको यही वाला आइकन मिल जाएगा, एक बार सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी। और जैसे जैसे हम क्लासेस लेंगे तो हो सके कि तो मैं PDF वहाँ शेयर कर दूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना इनफ है, अच्छे से तैयारी करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सिलेक्शन निकाल लीजिए। कहते हैं ना कि अभी तो चलने का इरादा किया है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारूंगा खुद से या ना हारूंगी खुद से ये वादा किया है। तो इतना सोच लीजिए कि अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो कंटिन्यू आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हम आपके लिए सिलेक्शन की पोस्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 सितंबर को मिलते हैं। इसे कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे, अगर आपको अच्छा लगा हो आज हमारी बातों को सुनकर, हमारे पूरे शेड्यूल को देखते हुए कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे आने वाले कल में और आपके लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये सारा जो आपकी ये है क्या कहते हैं, जो जुडिशरी में जो मेंस पेपर आता है GK and GS का, तो वो BPSC ने पूरी बता दिया कि वो जुडिशरी का आएगा। तो जुडिशरी में जो GK and GS आती है उसके लिए आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है या भागने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। और कट ऑफ की मैं बात बता चुकी हूँ, कट ऑफ आपकी 90, जनरल वालों की 90+85 इतने अराउंड जाएगी। और आगे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं OBC की कितनी जाएगी, OBC की आप अराउंड 80+77-75 लगा सकते हैं। कि जो बैकवर्ड हैं, अच्छा SC हैं, ST वाले हैं, तो ये सब आप देख लेना, लमसम इतना ही रहेगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अगर कोई क्वेरीज हैं आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं दोबारा से लिखे जा रही हूँ, 8295631289, 8295631289, आप इस नंबर पे भी क्वेरी कर सकते हैं। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए, आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपना ध्यान रखें और जय श्री कृष्णा।